Hello students of class 6. Good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 2. Right? Food and its component. ठीक है? तो मैंने आपको पीछे vitamins के बारे में बताया था. Vitamins है ना? वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? कौन-कौन से vitamin कौन-कौन से चीजों में हमको प्राप्त होता है? और वो क्या सब सिम्टम्स है, ठीक है, मैंने वो हमारे लिए कौन कौन से फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इन सब चीजों के बारे में आपको मैंने बताया था. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ठीक है मिनरल्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, अब देखिए मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स, ये भी हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे फूड में मौजूद प्रेजेंट रहने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. है ना, हमारा बॉडी ठीक से काम करे, नॉर्मल ग्रोथ हो, सही तरह से हमारा विकास हो और हमारा हेल्थ सही रहे, उसके लिए मिनरल्स की जरूरत होती है. मिनरल्स आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देता. लेकिन मिनरल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल्स और एक होता है ट्रेस मिनरल्स. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके स्रोत और उनके फंक्शन यहाँ बताए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर. ठीक है, पहला आयरन. आयरन आपको मिलेगा कहाँ पर? ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, लेग्यूम्स खाइए, लेग्यूम्स मतलब दलहन, स्पैनिच मतलब पालक, जैगरी, गुड़, लीवर, एग योल्क, एप्पल, ग्राउंडनट, सीरियल्स, ये सारे स्रोत हैं आयरन के. ठीक है, आयरन ये क्या करता है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? ये हमारे लिए एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड सेल. हमारे ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ये मदद करता है. ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट बॉडी सेल. ये लंग से ऑक्सीजन को पिकअप करता है और हमारे बॉडी के अलग अलग सेल तक उसको पहुंचाता है. ठीक है, अब दूसरा देखिए कैल्शियम है. कैल्शियम आपको मिलेगा मिल्क में, चीज में, एग्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, है ना, सीरियल्स में, मीट में, इन सब चीजों में आपको मिलेगा. ठीक है, और इसका फंक्शन देखिए ये क्यों जरूरी है? एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ. हमारे बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में और उनका खरा, उनके कड़े होने में ये हमारी मदद करता है. प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड के क्लॉटिंग में भी ये मदद करता है. कौन? ये कैल्शियम. फॉस्फोरस, ये भी आपको मिल्क में, चीज में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, बाजरा में, नट्स में, लीवर में, रागी में, इन सब चीजों में आपको मिलेगा. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बोन्स, ये मदद करता है कैल्शियम की तरह ही स्ट्रांग बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में. देखिए सोडियम, कॉमन साल्ट जो हम लोग घर में खाते हैं, नमक, फिश में, मीट में, एग्स में, मिल्क में, इन सब चीजों में आपको ये मिलता है. इसकी जरूरत किस लिए है? एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स के बनने में, एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, और जो नर्व्स के जो इम्पल्सिस हैं उनके फॉर्मेशन में ये मदद करता है. ठीक है, और आगे है पोटेशियम, ये आपको मिल्क में मिलेगा, योग हर्ट में मिलेगा, ऑरेंजेस में, पोटैटोज में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लगभग सभी फूड्स आइटम में ये रहते हैं. इनका जरूरत है क्यों? एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस में काम आता है. और एक है आयोडीन, है ना, ये आपको आयोडाइज साल्ट जो घर में हम लोग यूज करते हैं, नमक, सी फूड में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, आपको ये आयोडीन मिलता है. इसका जरूरत पड़ता है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, है ना, जो हमारे गले में एक थायरॉइड ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है. दिस हार्मोन कंट्रोल्स, और ये हार्मोन क्या करता है, हमारा जो फिजिकल, मेंटल और
फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट हमारे बॉडी का होने में ये मदद करता है। ठीक है, और आगे है रफेज। अब देखिए रफेज क्या करता है, रफेज तो फाइब्रस इनडाइजेस्टेबल फाइब्रस फूड होता है, रेसेदार और इनडाइजेस्टेबल, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, मटेरियल है प्रेजेंट इन आवर फूड जो हमारे फूड में रहता है। तो फाइब्रस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड रफेज। तो रफेज नाइजर प्रोवाइड, ये ना तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ना कार्बोहाइड्रेट, ना फैट्स, ना ही आपके बॉडी के बनने में मदद करता है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है भाई? ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। रफेज करता है, रफेज एड्स बल्क टू द फूड, हमारे फूड की मात्रा को बढ़ाता है। इसके कारण से क्या होता है, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, एंड उसको बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे बॉडी से जो बाहर निकलता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो आसानी से निकलता है इसके कारण से, एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इसके कारण से वो कॉन्स्टिपेशन हमको नहीं हो, इसमें उसका ख्याल रखता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। ये ऑल्सो क्या करता है, ग्रेट कैन एब्जॉर्ब ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी, और इसके कारण से वाटर हमारे बॉडी में बना रहता है उसकी मात्रा। द मेन स्रोत जो है रफेज का ह्यूमन फूड में वो आपका है सलाद, खाइए वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, कॉर्न में, उसको भुट्टा कहते हैं, अनपील्ड एप्पल, एप्पल को खाइए तो बिना छीले हुए खाइए, है ना, छिलके के साथ खाइए, तो छिलका जो होता है फाइबर से होता है। हाफ क्रस्ट व्हीट पॉरेज ऑफ दलिया, जैसे दलिया वगैरह खाइए, इस समय पर्याप्त मात्रा में रफेज रहता है ना। अब देखिए एक है वाटर, ये हमारा ये मोस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे फूड का सबसे इम्पॉर्टेंट जरूरी तत्व है, ये इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए काफी जरूरी है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर बाई वेट, ह्यूमन का जो बॉडी है उसमें लगभग 70% जो होता है वाटर के कारण से होता है। अगर कोई आदमी 100 केजी का है तो उसमें 70 केजी उसका जो वेट है पानी के कारण से। वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस, ये मदद करता है बहुत सारे फंक्शंस को पूरा करने में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह करने में मदद करता है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग, स्वेटिंग के द्वारा हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारे बॉडी को मदद करता है कि डाइजेस्टेड जो फूड होता है जो हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और चौथा है वाटर एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम, और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं उसके लिए अकरिंग इन आवर बॉडी टेक प्लेस। और बॉडी नीड्स अबाउट, हमारे बॉडी को लगभग 2 से 3 लीटर पानी हर एक दिन चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड बेवरेज, अधिकतर जो ये जो 2-3 लीटर पानी है, अधिकतर पानी या तो हम लोग पीकर करते हैं या बेवरेज वगैरह पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब से भी आता है। और अधिकतर फूड आइटम्स में भी वाटर की मात्रा रहती है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, है ना। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, अगर आपके बॉडी के टिश्यूज से पानी अगर ज्यादा मात्रा में निकल गया है तो इसी पोजिशन को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, आदमी इसके कारण से इसके आदमी के बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाती है, वीक हो जाता है, इवन सही समय पर इसका चेक नहीं किया गया तो आदमी बहुत जल्दी मर भी सकता है। तो उस सिचुएशन में ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ORS का घोल, हाँ उसको देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। और ये ORS का सॉल्यूशन जो है केमिस्ट के दुकान पे भी आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।